cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर का कारण बनता है। जिंदगी की सच्ची घटनाओं को समेट उन्हें कहानी का आकार देते हैं। कुछ इसीलिए ही हम कहानीकार कहलाते हैं। सुबह सुबह उठाने के लिए माफी चाहता हूं जोन्स, लेकिन एक क्लाइंट, एक 25 वर्ष की नवयुक्ति मुझसे मिलने आई हुई है। इतनी सुबह शर्मन, अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं। मेरा धंधा ही कुछ ऐसा है जोन्स, ना कत्ल करने वालों का कोई सही वक्त होता है, ना उन्हें पकड़ने का। मेरा अंदाजा है कि यह केस इतना दिलचस्प होगा कि मिनटों में तुम्हारी नींद हवा हो जाएगी, और मैंने सोचा कि इस केस में तुम शुरू से मेरा साथ देना पसंद करोगे। अगर ऐसा है तो मैं हरगिज तुम्हारे साथ चलूंगा, आखिर मुझे भी तो अपना पोर्टफोलियो पूरा रखना है। बस 2 मिनट और मैं तुम्हारे साथ हूं। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम शर्मन है और ये हैं मेरे दोस्त डॉक्टर विलियम जोन्स। दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे हमराज और हमसाये भी हैं। आप इनके सामने बेझिझक बात कर सकती हैं। मैं आपके लिए कप चाय मंगवाता हूँ। ठंड के कारण आपके हाथ कांप रहे हैं। डॉक्टर जोन्स, मैं सर्दी के कारण नहीं बल्कि डर से कांप रही हूँ। अब डरने की कोई वजह नहीं है मैडम। आप डिटेक्टिव शर्मन के पास आई हैं तो अपने डर को भुला दीजिए। तो आप 6:40 की मेल ट्रेन से आई हैं? तो आप मुझे जानते हैं? जी नहीं, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन आपकी घड़ी के स्ट्रैप के नीचे आपकी गाड़ी का रिटर्न टिकट देख सकता हूँ। यही नहीं, आपकी दाई कलाई भी एक दास्तान कह रही है। इन पर छपे सख्त उंगलियों के लाल निशान, लगता है आप पर किसी ने कुछ दबाव डालने की कोशिश की है, लेकिन मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं पूछूंगा। जाहिर है आप भयभीत और परेशान हैं। तभी आपने सुबह सुबह खरीदा हुआ बिस्किट का पैकेट जो आपके हैंडबैग में से नजर आ रहा है, उसे खोलकर खाने की हिम्मत भी नहीं की है। जी हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा शरीर ही नहीं दिल भी डर से कांप रहा है, इसलिए मुझे सुबह सुबह पहली गाड़ी से ही आना पड़ा। शर्मन साहब, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आप मुझे इस मुसीबत से बचा लेंगे ना? आप बेफिक्र रहिए मैडम, अगर मैं आपको इस रोष से मुक्ति नहीं दिला पाया तो मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। कहिए, वो क्या डर है जो आपको यहाँ खींच लाया है? मुझे खुद समझ नहीं आता कि मेरी परेशानी की जड़ क्या है, लेकिन मैंने सुना है कि आपकी नजरें इंसान के दिलो दिमाग की तह तक पहुंच जाती हैं और उनमें छुपे शैतान इरादों का पर्दाफाश कर देती हैं। कोशिश तो यही रहती है मेरी। मेरा नाम मीता कंवर है। मैं यहाँ से 50 मील दूर एक छोटे से शहर चिराग नगर में रहती हूँ। शायद आपने रौनक नाम के एक फार्म हाउस के बारे में सुना होगा, वही मेरा घर है। बल्कि ये कहिए कि मेरे अंकल डॉक्टर घोषाल का घर है। मैं डॉक्टर घोषाल को अंकल बुलाती हूँ, लेकिन असल में वो अंकल नहीं, मेरी माँ के दूसरे पति हैं। बचपन में ही मेरे डैडी की मृत्यु हो गई और माँ ने कुछ साल बाद दूसरी शादी कर ली। डॉक्टर घोषाल उससे पहले कलकत्ता में प्रैक्टिस करते थे। कुछ अपने भड़कीले स्वभाव के कारण और कुछ प्रैक्टिस न चलने के कारण वो बहुत ही रूखे मिजाज के हो गए थे। एक दोस्त के साथ झगड़े में उन्होंने उस आदमी की हड्डी पसलियां तोड़ डाली और जब उन पर मुकदमा किया गया तो वो प्रैक्टिस बंद करके वापस चिराग नगर आ गए, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा के लिए बिगड़ गया था। मुझे और मेरी बड़ी बहन नीता को कभी इस बात का गम नहीं हुआ कि हमारी माँ ने डॉक्टर घोषाल जैसे व्यक्ति से शादी क्यों की। हमने सोचा कि माँ की खुशी में ही हमारी खुशी है, इसलिए जैसे तैसे हम दोनों ने मुस्कुराकर उनका साथ दिया। बदकिस्मती से कुछ साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में माँ की मृत्यु हो गई। नीता और मैं अब अकेली रह गई थी हमारे अंकल डॉक्टर घोषाल के साथ। लेकिन माँ ने हमारे भविष्य का पहले ही सोच रखा था। वो अपना सारा पैसा डॉक्टर घोषाल के पास छोड़ तो गई थी, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि मुझे और नीता को हमारी शादी के बाद एक बड़ी रकम सालाना किश्तों में मिलती रहे, ताकि हम जहां भी हों आत्मनिर्भर होकर जी सके। खैर, जिंदगी चलती रही और हमारे कुछ साल बिना किसी अप्रिय घटना के बीते।
लेकिन धीरे धीरे अंकल के बर्ताव में एक परिवर्तन आने लगा। उनके जीवन की निराशा गुस्से में बदलने लगी और वो बात बात पर हर किसी से झगड़ा मोल लेने लगे। पिछले हफ्ते तो उन्होंने मालिक को बुरी तरह जख्मी करके मार भगाया। अंकल के अब कोई दोस्त नहीं है सिवाय कुछ गाने बजाने वालों के। ये लोग कभी कभी आकर अंकल का मनोरंजन करते हैं। जब भी आते हैं दो चार रातें वहीं गुजारते हैं। उनकी खास पहचान है कि वो माथे पर एक पीले रंग का काली बिंदियों वाला पट्टा यानी हेडबैंड बांधे होते हैं। डॉक्टर घोषाल की जंगली जानवरों में भी दिलचस्पी है और ये कवैये लोग उन्हें तरह तरह के जानवर तोहफे के रूप में देते रहते हैं, जैसे एक चीते का बच्चा और एक बबून। ये फार्म हाउस में खुला घूमते रहते हैं और हमें ही नहीं बल्कि गांव वालों को भी इनसे डर लगता है। मेरी बहन की और मेरी जिंदगी परेशान हो गई थी। जब नीता की मौत हुई तो वो केवल 30 बरस की थी, लेकिन उसके बाल सफेद हो चले थे और माथे पर शिकन की दरारें पड़ चुकी थी। तो आपकी बहन की मृत्यु हो चुकी है? जी हाँ, 2 साल पहले वो मुझे छोड़कर चली गई। असल में शर्मन साहब, मैं इसी बारे में आपसे मिलने आई हूँ। जी, आगे कहिए। हमारा कहीं ज्यादा आना जाना नहीं था, लेकिन कभी कभार हम शहर में अपनी आंटी से मिलने आया करते थे। इस तरह एक आध दिन के लिए हम फार्म हाउस की बेजान जिंदगी से बाहर निकल पाते थे। हमारी आंटी एक रिटायर्ड लेक्चरर है, इसलिए उनके घर पर अक्सर उनके पुराने स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं। ऐसे ही एक मौके पर नीता की मुलाकात एक नवयुवक से हुई। उनकी दोस्ती बढ़ी और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। बहुत अरसे के बाद नीता और मेरी जिंदगी में खुशी का मौका आया। मैं ना कहती थी दीदी कि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। देखो कितना अच्छा लड़का लिखा था तुम्हारी किस्मत में और कितना प्यार करता है तुम्हें। हाँ, sometimes there's God so quickly। अब अपने राजकुमार के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताना। मीता, मुझे तेरी फिक्र होती है। तू भी कोई चुन लेना अपने लिए और निकल इस नर्क से। चुन लूंगी दीदी, पहले तुम्हें तो विदा कर लूं। अंकल सो गए हैं क्या? नहीं, उनके सिगार की स्मेल अभी तक आ रही है। अच्छा, बहुत देर हो गई, अब सोते हैं। बाय द वे मीता, कभी रात को तूने किसी के सीटी बजाने की आवाज सुनी है? नहीं तो। क्योंकि पिछली कई रातों से मैंने एक हल्के से सीटी की आवाज सुनी है। हो सकता है कि साथ वाले अंकल के कमरे से आई हो या फिर बाहर गार्डन से। उन गाने बजाने वालों में से कोई होगा। खैर कोई बात नहीं, चल यार मैं अपने कमरे में जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट दीदी। उस रात मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मुझे रह रहकर ये ख्याल आता रहा कि कोई गलत बात होने वाली है। वो भयानक रात थी, तेज हवा चल रही थी और खिड़की पर बारिश के मोटे कणों से आवाज हो रही थी। हे भगवान, दीदी! सीटी की आवाज, जैसा दीदी ने कहा था, और किसी लोहे की चीज के गिरने की आवाज। क्या हुआ बेटी? कुछ ही मिनटों में दीदी ने प्राण छोड़ दिए। वो सीटी की आवाज और लोहा गिरने की, आपको यकीन है कि आपने वो आवाजें सुनी? जहां तक मुझे याद है, मुझे लगता है मैंने वो आवाजें सुनी, लेकिन बारिश की आवाज और डर के कारण हो सकता है मैं गलत हूं।
पुलिस की तहकीकात हुई? जी हाँ, लेकिन वो मौत का कारण पता नहीं लगा सके। दीदी के कमरे की खिड़की अंदर से बंद थी, वो अपना दरवाजा भी लॉक करके सोती थी, क्योंकि हमें अंकल के चीते और बबून से डर लगता था। मुझे यकीन है कि वो कमरे में अकेली थी, उसके जिस्म पर हिंसा के भी कोई निशान नहीं थे। कहीं जहर तो नहीं? डॉक्टरों को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। तो आपको अपनी बहन की मौत की क्या वजह लगती है? सिर्फ डर और सदमा, लेकिन किस वजह से ये मैं नहीं कह सकती। वो गाने बजाने वाले लोग उन दिनों वहीं थे? जी हाँ, वो अक्सर वहीं रहते हैं। आपकी दीदी ने मरते वक्त कहा वो बिंदियों वाला पट्टा, इसका क्या मतलब हो सकता है? मालूम नहीं, हो सकता है वो हेडबैंड या पट्टा जो गाने बजाने वाले लोग माथे पर पहनते थे, पीले रंग का, काली बिंदियों वाला। आगे कहिए। दीदी की मौत के बाद मैं अकेली हो गई। ये 2 साल बहुत मुश्किल बीते हैं, लेकिन 2 महीने पहले एक खुशी की लहर मेरी जिंदगी में भी आई, नरेश के रूप में। उसने मुझसे शादी के लिए कहा और मैंने उसे अंकल से मिलवाया। अंकल, ये नरेश है, हम जल्द ही शादी करना चाहते हैं। गुड गुड, माय बेस्ट विशेस। थैंक यू अंकल। दो दिन पहले मेरे बेडरूम की दीवार में रिपेयरिंग का काम चालू किया गया। आज रात से तुम्हें नीता के कमरे में सोना होगा। अब मुझे उस कमरे में सोना पड़ रहा था जिसमें दीदी की मौत हुई थी, और उसी के बिस्तर में। कल रात मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो वही सीटी की आवाज। मैं डरकर उठ बैठी। टॉर्च चलाकर मैंने देखना चाहा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। रात भर मैं सो न सकी और सुबह सुबह की ट्रेन लेकर मैं आप तक पहुंच गई हूँ। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं शर्मन साहब। आपने अच्छा किया जो यहाँ चली आई, लेकिन क्या आपने मुझे सब कुछ बताया है? क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? नहीं तो? मेरे ख्याल से आप अपने अंकल की हरकतें छुपा रही हैं। क्या मतलब? आपकी कलाई पर यह निशान, 4 उंगलियां और 1 अंगूठा, आपके अंकल के नहीं तो और किसके हैं? वो बहुत कठोर इंसान है, उन्हें खुद अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। ये बहुत गंभीर मामला है, क्या हम आपके अंकल को बिना बताए आपका कमरा देख सकते हैं? उनका आज शहर आने का प्लान था, अगर आप आज ही आए तो किसी को पता नहीं चलेगा। गुड जोन्स, तुम्हें कुछ और काम तो नहीं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं 9 बजे की गाड़ी से वापस जाती हूँ, ताकि आप जब आए तो मैं वहीं हूँ। शर्मन साहब, आपको सब कुछ बताकर मुझे बहुत तसल्ली हुई है। सिर्फ एक सवाल और, आपने अपनी माँ की वसीयत देखी? जी हाँ, वो करीब 40 लाख रुपया मेरे अंकल के पास छोड़ गई थी, जिसमें से केवल 5 लाख अंकल के लिए था। बाकी दीदी और मेरी शादी के बाद हमें सालाना किश्तों में मिलना था। ठीक है मिस बीता, हम आपको 2 बजे वहां मिलते हैं। गुड बाय। गुड बाय शर्मन साहब। जोन्स, क्या सोचते हो? बहुत खतरनाक खेल है। खतरनाक, सही कहा तुमने। रात को सीटी बजने की आवाज, बिंदियों वाला पट्टा पहने गाने बजाने वाले लोग, डॉक्टर के दोस्तों में चीते का बच्चा और बबून, और अपनी भतीजियों की शादी रोकने का जबरदस्त कारण। डॉक्टर घोषाल अच्छा आदमी नहीं लगता शर्मन। बिल्कुल, नीता ने मरने से पहले जो आखिरी शब्द कहे, बिंदियों वाला पट्टा, इसका क्या मतलब हो सकता है? मालूम नहीं। अगर दरवाजा और खिड़की अंदर से बंद थे तो वो मौत के वक्त कमरे में अकेली ही थी, लेकिन वो लोहा गिरने की आवाज, हो सकता है लोहे की सलाख गिरने की आवाज हो, जिससे मेरा शक खिड़की की तरफ जाता है। उन गाने बजाने वालों का हाथ तो नहीं, माथे पर बिंदियों वाला पट्टा पहनते थे। कहना मुश्किल है जोन्स, इसीलिए हम आज डॉक्टर घोषाल के फार्म हाउस पर जा रहे हैं। आप में से शर्मन कौन है? कहिए, मैं आपको किस गम से मुक्ति दिला सकता हूं? मेरा नाम डॉक्टर घोषाल है, मैं अपनी भतीजी मीता के पीछे पीछे यहां आया हूं। उसने आपसे मेरे खिलाफ क्या कहा? डॉक्टर साहब,
मेरा पेशा ऐसा है कि सवाल मैं करता हूँ और जवाब सामने वाले देते हैं। मेरे साथ पहेलियों मत खेलो शर्मन, मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ। खतरों से खेलते इतना वक्त बीत गया कि खतरे मुझे देखकर ही डर से भाग जाते हैं। मेरे बात का जवाब दो नहीं तो। शर्मन, जरा बच के। मेरे मामलों में दखल मत दो। जाते जाते दरवाजा बंद कर दीजिएगा। बहुत प्यारा बर्ताव है हमारे दोस्त का। कमाल है शर्मन, ऐसा जानवरों जैसा बर्ताव तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। हमें इसकी तह तक पहुंचना होगा जोन्स। अब जब डॉक्टर घोषाल को पता चल ही गया है कि मीता हम तक पहुंच चुकी है तो उसकी जान को और भी खतरा है। तो प्लान क्या है? पहले तो नाश्ता करते हैं और उसके बाद चिराग नगर की ओर रवाना। तुम भी अपना रिवॉल्वर ले लो जोन्स। जो आदमी हाथ से शीशे को तोड़ सकता है वो ना जाने क्या करने के काबिल हो। ये आ गया फार्म हाउस रौनक। जीप आगे पार्क करके वापस आते हैं। मीता गेट पे हमारा इंतजार कर रही है। गुड आफ्टरनून मिस मीता, 2 बजे मिलने का वादा था और 2 बजे हम हाजिर। बहुत अच्छा किया, अंकल शहर गए हुए हैं और शाम तक नहीं आएंगे। हमारी उनसे मुलाकात हो चुकी है, वो आपका पीछा करते हुए मेरे ऑफिस तक पहुंच गए थे। हे भगवान, क्या मैं उनके चंगुल से कभी बच नहीं सकती? वो आएंगे तो मुझ पर बरस पड़ेंगे। आप फिक्र मत कीजिए मिस मीता, आज रात को आप अपने कमरे में ताला बंद करके सोइए। अगर आपके अंकल खतरनाक साबित होते हैं तो हम आपको यहां से ले जाएंगे। अब हमें अपना वक्त अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, हमें फौरन वो तीनों कमरे दिखाइए। जी हाँ, आइए। जैसा मैंने आपसे कहा था, ये तीनों कमरे एक लाइन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे बाईं तरफ का कमरा मेरे अंकल का है, बीच वाला कमरा नीता का था और दाएं कोने में मेरा। लेकिन अब मुझे बीच वाले कमरे में सोना पड़ रहा है। आइए पहले मेरा कमरा देखिए। मुझे तो इसकी दीवारों पर रिपेयर्स की कोई जरूरत दिखाई नहीं देती। बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ मुझे अपने कमरे से निकालने का बहाना था। इन बाकी कमरों की पिछली तरफ भी कोई खिड़कियां हैं जैसे कि इस कमरे में है? जी हाँ, लेकिन वो इतनी छोटी है कि उनमें से कोई अंदर नहीं जा सकता। मीता जी, आप बीच वाले कमरे में जाकर उसकी खिड़की अंदर से बंद कीजिए, हम बाहर से उसे एग्जामिन करते हैं। शर्मन, ये खिड़की तो बहुत छोटी है और बाहर कोई हैंडल भी नहीं है। जोन्स, बाहर से इस खिड़की को खोलना नामुमकिन है। चलो अंदर चलकर कमरे की तहकीकात करते हैं। मीता जी, आप वहीं रहिए, हम अंदर आते हैं। आइए शर्मन साहब, ये है वो कमरा जिसमें दीदी की मौत हुई और जिसमें आजकल मैं सो रही हूँ। जोन्स, हमें हर चीज बारीकी से देखनी है। ये दीवारें, अलमारी, खिड़की, फर्नीचर, पलंग के पास ऊपर से लटकती ये रस्सी घंटी बजाने के लिए है क्या? जी हाँ, अंकल को पुराने जमाने के तौर तरीकों का शौक है, उन्होंने नौकर बुलाने के लिए ये रस्सी की घंटी लगा रखी है। ये कहाँ जाकर बजती है? घंटी रसोई में लगी हुई है और इस रस्सी से कनेक्टेड है। ये आपकी बहन के कहने पे लगाई गई थी? नहीं, नीता ने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, हम अपना खाना खुद ही लाती थी। जरा रस्सी खींच के घंटी बजाते हैं। अरे ये रस्सी तो नकली है, इसके साथ कोई घंटी वंटी अटैच नहीं है। ऊपर देखो जोन्स, ये रस्सी आगे किसी घंटी तक नहीं जाती, वो ऊपर दीवार पे एक हुक से बंधी हुई है। हुक के पास दीवार में एक छोटा सा रोशनदान भी है। अरे रस्सी ऊपर दीवार पर रोशनदान के पास एक हुक से बंधी है, मैंने पहले ये कभी देखा ही नहीं। इंसान अक्सर वही देखता है जो उसकी नजरों के सामने हो, अगर वो दाएं बाएं ऊपर नीचे भी देखने लगे तो बहुत सी मुसीबतों से बच सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि मकान बनाने वाले ने यह रोशनदान 2 कमरों के बीच की दीवार पर ही क्यों बनाया? रोशनदान अगर मैदान की तरफ खुलता तो बेहतर होता। जब ये रस्सी लगाई गई थी उसी वक्त रोशनदान भी बनाया गया था। और ये साथ वाला कमरा जहां ये रोशनदान खुलता है डॉक्टर घोषाल का है? जी। आइए अब उनका कमरा देखते हैं। तो ये है आपके अंकल का कमरा। जोन्स,
यहाँ की भी एक एक चीज ध्यान से देखनी पड़ेगी। इस सेफ में क्या है? मेरे अंकल के सब जरूरी कागजात इसमें हैं। और सेफ के ऊपर रखी ये दूध की प्लेट, आपके अंकल अन्य जानवरों के साथ बिल्लियाँ भी पालते हैं क्या? जी नहीं, उनके पास कोई बिल्ली नहीं है, लेकिन एक चीते का बच्चा और एक बबून है। चीता होता तो बिल्ली ही की जात का है, लेकिन वो चाहे बच्चा ही हो, एक प्लेट दूध से उसका क्या बनेगा? ये देखिए, एक छोटा सा चाबुक, लेकिन अजीब तरह से लूप में बंधा हुआ। बहुत जालिम होते हैं दुनिया के कुछ लोग। जोन्स, बहुत खतरनाक खेल है ये। आइए बाहर चलते हैं। मिस मीता, मैं जैसा कहूं आपको वैसा ही करना होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी इस पर निर्भर करती है। जी हाँ शर्मन साहब। तो मेरे मित्र जोन्स और मैं आज रात आपके कमरे में बिताएंगे। क्या? आपके कमरे की खिड़की सामने उस होटल से दिखाई पड़ती है ना? जी हाँ। हम अपना बसेरा सामने वाले होटल में करते हैं। जब आपके अंकल वापस आए तो आप अपने कमरे में रहिएगा, अंदर से कमरा लॉक कर लें। जब वो रात को सोने चले जाएं तो आप अपनी खिड़की खोल दीजिएगा। खिड़की पर दो मोमबत्तियां जलाकर रखिएगा, हमारे लिए इतना इशारा काफी होगा। तब आप इस कमरे से निकलकर अपने पुराने कमरे में चली जाइएगा, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। लेकिन आप क्या करेंगे? हम उस सीटी की आवाज की वजह पता लगाना चाहेंगे जिसने आपकी जिंदगी में खलबल मचा दी है। शर्मन साहब, मुझे लगता है आपको राज का पता लग चुका है। मुझे बताइए ना कि मेरी बहन की मौत का कारण क्या था। कुछ कहने से पहले मैं सबूत ढूंढना चाहूंगा। अब हमें चलना चाहिए। हिम्मत रखिए, आज रात आपके डर की आखिरी रात होगी। शाम ढल रही है जोन्स, थोड़ी देर होटल के कमरे में आराम किया जाए। खिड़की में से डॉक्टर घोषाल का फार्म हाउस साफ नजर आता है। शर्मन, वो देखो, डॉक्टर घोषाल की जीप की हेडलाइट गेट से अंदर जाती हुई। शैतान आ गया है। तुम्हें यकीन है शर्मन कि सब में घोषाल का ही हाथ है? बिल्कुल। शायद मुझे आज रात अकेले ही जाना चाहिए, खेल खतरनाक साबित हो सकता है। अगर मैं जरा से भी मदद कर सकता हूं तो जरूर आऊंगा। मुझे तो कहीं कोई खास खतरा दिखाई नहीं पड़ता। खतरा अगर साफ दिख जाए तो वो खतरा नहीं रहता। तुमने वो सब देखा जोन्स जो मैंने देखा, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने उतना नहीं सोचा जितना मेरे दिमाग ने। मुझे वहां कुछ खास दिखाई नहीं दिया सिवाय उस नकली घंटी के रस्सी के। तुमने वो रोशनदान भी देखा? हाँ, उसमें क्या अजीब बात है, वो इतना छोटा था कि एक बिल्ली भी उसमें से आराम से नहीं निकल सकती थी। दो कमरों के बीच की दीवार पर छत से लगकर एक छोटा सा रोशनदान बनाया जाता है, उसके समीप एक रस्सी टांगी जाती है और एक लड़की जो नीचे पलंग पर सोती है मर जाती है। कुछ अजीब नहीं लगता? मुझे इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं लगता। पलंग के चारों पांव कीलों के द्वारा फर्श पर जड़े हुए थे। आज तक ऐसा कहीं देखा है? नहीं। पलंग के पांव में कील गाड़ी गई ताकि वो हमेशा उसी जगह पर रहे, रोशनदान के नीचे और रस्सी के साथ। तुम्हारा मतलब, ओ गॉड, तुम्हारा मतलब शर्मन कि अगर हम एक दिन भी देर से आते तो एक और जघन्य अपराध हो चुका होता। जब एक डॉक्टर का दिमाग फिर जाता है तो बहुत ही नीच कातिल का रूप अख्तियार कर लेता है। आज रात हमें काफी खौफनाक वारदातें देखने को मिलेंगी। तब तक आओ दिमाग को कहीं और लगाएं और अपना डिनर भी कर लें। अब नीता के सिग्नल का इंतजार। वो रही बीच वाली खिड़की में मोमबत्तियों की रोशनी। अब चलें फार्म हाउस की तरफ। हां जोन्स, लेकिन सड़क के रास्ते नहीं, बल्कि ये मैदान को पार करके इस टॉर्च की रोशनी में। अब ये फार्म हाउस की बाउंड्री वॉल लांग कर अंदर। ओ गॉड, वो क्या था शर्मन? वो डॉक्टर घोषाल का बबून था। तो ये था, मैं बबून और चीते के बच्चे को तो भूल ही गया था। मुश्किलों की कमी नहीं है जोन्स, एक ढूंढो हजार मिलती हैं। आओ अब अंदर चलते हैं। अब बीच वाले कमरे के अंदर इस खिड़की के रास्ते जो मिस मीता हमारे लिए खुली छोड़ गई हैं। अब जूते उतार दो जोन्स,
और मोमबत्ती बुझा दो। हमें रोशनी के बिना रहना पड़ेगा, नहीं तो रोशनदान के रास्ते उसे पता चल जाएगा। और आवाज बिल्कुल नहीं, वरना हमारा प्लान बेकार जाएगा। देखना कहीं आंख न लग जाए, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और अपनी रिवॉल्वर तैयार रखो। कहां जा रहे हो? तुम यही कुर्सी पर बैठो, मैं पलंग पर बैठता हूं। अब इंतजार करना होगा जोंस। ये आदमी चालाक है, हमें होशियार रहना है। बिल्ली जैसी चीख, डॉक्टर घोषाल का चीते का बच्चा होगा। ऊपर रोशनदान में साथ वाले कमरे से रोशनी आ रही है। डॉक्टर घोषाल ने कमरे की लाइट ऑन कर दी है। कुछ ही देर में जोंस, डॉक्टर जाग गया है। ये क्या आवाज है? मेरी केन पकड़ा, जल्दी जोंस, जल्दी। देखते हो जोंस? नहीं, रोशनी कम है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शर्मन, ये क्या है? शर्मन, ये चीख कैसी? इसका मतलब खेल खत्म जोंस। अपनी रिवॉल्वर बाहर निकालो और मेरे पीछे आओ, डॉक्टर घोषाल के कमरे में। कोई आवाज नहीं जोंस। मुझे भी कुछ सुनाई नहीं देता। जोंस, दरवाजा खोलो। कितना खौफनाक नजारा है। डॉक्टर घोषाल अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, आंखें खुली पर बेजान, और माथे पर बिंदियों वाला पट्टा। जोंस, बिंदियों वाला पट्टा, ये हिल रहा है। शर्मन, सांप। सांप के डसने के कुछ ही सेकंड में घोषाल मर गया। सांप? हां, कत्ल करने वाले अक्सर उसी हथियार से मारे जाते हैं जो उन्होंने किसी और के लिए तैयार किया था। अब इस सांप को अपने बिल में भेजना होगा, इस चाबुक की मदद के द्वारा, वापस खुशहाल के सेफ में, जो सांप का घर है। ध्यान से शर्मन। अब कोई खतरा नहीं, चलो मिस मीता से मिलते हैं और पुलिस को भी खबर करनी है। मुझे यकीन है मिस नीता कि पुलिस की डॉक्टर की जांच यह सिद्ध करेगी कि डॉक्टर घोषाल अपने ही पालतू सांप की डंग से मारे गए हैं। कितना खतरनाक इरादा था अंकल का। शर्मन का शुक्रिया अदा करो कि अब तुम खतरे के बाहर हो। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मन साहब, काश मैंने आपको 2 साल पहले बुलाया होता। आइए, बाकी की रात होटल में गुजारिएगा। कल सुबह हम आपको शहर ले जाएंगे। यहाँ रहने से बेहतर होगा कि आप अपनी आंटी के साथ रहें। शर्मन, अब केस का पोस्टमार्टम हो जाए। हाँ जोंस, सबसे पहली बात, बिना पूरी जानकारी हासिल किए किसी केस पर दिमाग लड़ाना उचित नहीं। गाने बजाने वाले लोगों का घर में होना और उनका माथे पर बिंदियों वाला पट्टा पहनना, इन बातों ने मुझे शुरू में बहका दिया था, लेकिन कमरे की तहकीकात के बाद ये साफ हो गया कि जो भी खतरा था वो दरवाजे या खिड़की के रास्ते नहीं आ सकता। फर्श पर कीलों द्वारा जड़ा पलंग, नकली रस्सी और रोशनदान के कारण मुझे लगा कि वो रस्सी रोशनदान से निकलती हुई किसी चीज का पलंग तक पहुंचने के लिए एक माध्यम है। मुझे एकदम सांप का ख्याल आया। हमें मालूम था कि डॉक्टर को अपने गवैया दोस्तों से जंगली जानवर तोहफे के रूप में मिलते रहते थे। हो सकता है एक सांप भी मिला हो। और ऐसे जहर का इस्तेमाल करना जिसका कोई शारीरिक सबूत ना मिले, ये ख्याल एक डॉक्टर को ही आएगा। सांप के डंक से छोड़े गए छोटे छेद माइक्रोस्कोप से देखने पर ही सामने आएंगे। फिर वो हल्की हल्की सीटी की आवाज, हां उसकी वजह से बहुत मुश्किल आई। डॉक्टर साहब को सांप वापस बुलाना था, उन्होंने सांप को ट्रेनिंग दी, बिल्कुल पैवलोव के कुत्ते और घंटी के एक्सपेरिमेंट की तरह। वो रात को एक छड़ी के द्वारा सांप को रोशनदान में डाल देता था। उसे मालूम था कि सांप रस्सी के सहारे नीचे उतरेगा। हो सकता है वो कुछ रातें बच जाए, लेकिन कभी ना कभी तो सांप उसे काटेगा ही। सीटी की आवाज पर सांप उसी रस्सी के सहारे
उसे मिली गई ट्रेनिंग के अनुसार वापस चला जाता था डॉक्टर घोषाल के सेफ में, और लोहे की सलाख जैसी आवाज होती थी सेफ का दरवाजा बंद होने पर। लेकिन कल रात क्या हुआ? जब मैंने सांप के फुफकारने की आवाज सुनी तो मैंने अपनी छड़ी से तुरंत रस्सी पर हमला किया। सांप वापस रोशनदान के जरिए डॉक्टर घोषाल के कमरे में चला गया और अपने ही मालिक को डस बैठा। मेरी छड़ी के द्वारा पीटे जाने पर वो दर्द और गुस्से में था, और जो पहला इंसान उसके रास्ते में आया उसने उसे डस लिया और अपने मालिक के माथे पर बिंदियों वाला पट्टा बनकर लिपट बैठा। अगर आपको हमारी कोशिश जरा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह कहानीकार की नई कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई कोशिशें सीधे आप तक पहुंच सके। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।